तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों के क्या कुछ फायदे हैं उसके बारे में जानकारी देते हुए नजर आए हैं। बढ़ते आगे रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। दरअसल कोर्ट ने दोबारा वोटों की गिनती के आदेश जारी किए हैं, मतपत्र में कोई गड़बड़ी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बयान सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि 8 वोट आप उम्मीदवार के पक्ष में है, मेयर चुनाव में दोबारा वोटिंग नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बयान साफ तौर पर दिए गए हैं, मेयर चुनाव में दोबारा वोटिंग नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये चुनाव दिए हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि दोबारा वोटों की गिनती नहीं होगी, दोबारा वोटिंग नहीं होगी, वोटिंग की गिनती के आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8 वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, मेयर चुनाव में दोबारा वोटिंग नहीं की जाएगी, जबकि वोटों की गिनती पर आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर फैसला दिया है और साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वोटिंग दोबारा नहीं कराई जाएगी, जबकि वोटों की गिनती दोबारा कराने के आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी देवेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेश, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर के आदेश जारी किए हैं, साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वोटिंग दोबारा नहीं होगी, जबकि वोटों की गिनती दोबारा कराने के आदेश दिए गए हैं। और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जो धांधली हुई, 8 वोटों को रिजेक्ट किया गया गलत तरीके से। रिटर्निंग ऑफिसर ने बीजेपी का पक्ष लेते हुए उनको रिजेक्ट किया और इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल भी हुई थी और आज भी इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। ऐसे में कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक राहत मिली है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है मामले की सुनवाई चल रही है। जो वीडियो जिसका आम आदमी पार्टी लगातार जिक्र करती आई थी कि उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर किस तरह से जो बैलेट पेपर है उस पर मार्क कर रहे हैं, उस वीडियो को जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो अभी देख रहे हैं। हालांकि जो बैलेट पेपर थे, 8 बैलेट पेपर जिनको रिजेक्ट किया गया था, उन बैलेट पेपर को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट के खुद जजों ने उस बैलेट पेपर को देखा और देखा कि उस पर एक मार्क किया हुआ है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि जो 8 बैलेट पेपर रिजेक्ट किए गए थे उनको वैलिड माना जाएगा और उनकी जो है काउंटिंग करवाई जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अभी पूरे मामले को लेकर सुनवाई जारी है। जो वीडियो जिसका जिक्र बार बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कर रही है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो इस वीडियो को देख रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेश, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।